आज हम पढ़ते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो कम ऑन इट्स कंसेप्ट. प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स. ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है कि एडवांस में डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना किसी आने वाले टाइम के लिए. फ्यूचर में कुछ ऐसा हम करने वाले हैं जिसके लिए एडवांस में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है. ठीक है, उसमें हम कई चीज़ें प्लान करते हैं, देन उनमें से एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव जो कि हो सकता है उसको चूज़ करते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन. इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव्स. ये एमी हर्ली के थ्रू ये डेफिनेशन है प्लानिंग की, आप इसको लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस, हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज़ टू डू इट, किसको करना है. ठीक है, ये सब हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, जिससे कि प्लानिंग से हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं. ठीक है, सो अब आते हैं प्लानिंग के फीचर्स पर. प्लानिंग के ये फीचर्स हैं हमारे. ठीक है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज, प्राइमरी फंक्शन, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज परवेसिव फंक्शन, प्लानिंग इज डायनेमिक फंक्शन. ठीक है, तो हम बारी बारी सारे फंक्शंस और फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग फोकस करता है, प्लानिंग हेल्प करता है फोकस करने में. एक्चुअली प्लानिंग बनाते ही हम इसलिए हैं, प्लान हम करते ही इसलिए हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे सकें. ठीक है, प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपेरेशन ऑफ नेसेसरी एक्शंस प्लान्स टू अचीव गोल्स. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप बोर्ड्स में 95% लाना चाहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप एडवांस में प्लान करेंगे कि हाँ मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है 95% लाना, जिसके लिए आप प्लान करेंगे कि आपको कहाँ, कैसे, कब और किस तरीके से पढ़ाई करनी है. ठीक है, और क्यों करनी है स्टडीज, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको 95% लाने हैं, जो कि आपने एडवांस में ही डिसाइड कर लिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी फंक्शन कहते हैं हम प्लानिंग को, मैनेजमेंट के. मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस होते हैं. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. अब हम प्लानिंग को ही क्यों फर्स्टली करते हैं, हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी के चारों फंक्शन टोटली डिपेंड होते हैं प्लानिंग पे. जैसे कि आपको कोई भी काम करना है, आप कहीं भी, आप कहीं घूमने भी जाते हैं, तो सबसे पहले आप प्लान करते हैं या डायरेक्ट गाड़ी में बैठ गए, देन अरे वहाँ जाकर देखा जाएगा. तो कहाँ जाना है, एक्चुअली पहले आप प्लान करते हैं कि हाँ हमें यहाँ जाना है. ठीक है, तो ये सबसे पहला करने वाला फंक्शन होता है, जो कि प्लानिंग पे ही हम सब अपने सारे काम को डिपेंड रखते हैं. ठीक है, एवरी मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग. जितने भी मैनेजमेंट का काम होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं, वो सब पहले प्लान करते हैं कि हाँ हमारा बिजनेस एंटरप्राइज यहाँ होना चाहिए, इस चीज़ की प्रोडक्शन होनी चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए. मतलब हर काम को करने से पहले उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है. ठीक है, ऑल अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर बेस्ड ऑन प्लानिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे अदर फंक्शंस प्लानिंग पर ही बेस्ड हैं. विदाउट प्लानिंग दे आर नथिंग. अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लान ही नहीं करेंगे, अगर आपको बोर्ड में 95% लाने हैं, आपने प्लान ही नहीं करा कि आपको 95% लाने हैं, चलो ऐसे ही पढ़ लो, तो आप कभी अच्छे मार्क्स को आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है. ठीक है, नाउ थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है, एवरीवेयर.
ठीक है, एवरीवेयर ये अवेलेबल होता है। जो प्लानिंग है वो हर जगह ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इन ऑल डिपार्टमेंट्स। हर फंक्शन, हर बिजनेस एंटरप्राइज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग हर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। यहाँ हर जो इंसान होता है वो पहले हर काम को करने से पहले प्लान करता है कि हाँ हमें ये काम इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के जो भी हैं मैनेजर्स हैं वो ही सिर्फ प्लान कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग डिफरेंट टाइप की होगी, ठीक है, मिडल लेवल के मैनेजर्स की प्लानिंग डिफरेंट टाइप की होगी। सो हम अपनी लाइफ में भी सब कुछ करने से पहले प्लान करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो ऑल परवेसिव है, मतलब कि यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह हर काम करने से पहले हम प्लान करते हैं। फोर्थ इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज द एंटरप्राइज इज इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। प्लानिंग सबसे प्राइमरी फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले ही करा जाता है, और प्लानिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्ट करती है, चलती रहती है, ठीक है। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने एट स्टार्टिंग प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग का काम ख़त्म। नहीं, हर छोटे छोटे काम के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने किसी काम के लिए प्लान ही नहीं करा होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन, ठीक है। वो हमें जानने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, स्टैंडर्ड्स तैयार करने पड़ते हैं कि हाँ हमें ऐसा ऐसा काम करना है, देन हम उसी के थ्रू अपने काम को करते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज़ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। देखो, प्लानिंग हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं खाना खा रही हूँ ये मैं प्लान कर रही हूँ। अरे, आप तो एक्चुअली वो काम कर रहे हो ना, बट मैं कल वहाँ जाऊँगी ये आप प्लानिंग कर रहे हो। अब कहाँ जाऊँगी ये भी आपके प्लान का पार्ट है, किसके साथ जाऊँगी ये भी प्लान के पार्ट है। तो प्लान आप हमेशा फ्यूचर के लिए करते हो, ना कि प्रेजेंट या फिर पास्ट के लिए, ठीक है। सो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग इन विच प्लान्स आर ड्रॉन आफ्टर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही करते हैं, हम कभी प्रेजेंट या पास्ट के लिए तो करते नहीं हैं, है ना। तो आप कोई भी काम करने वाले हैं फ्यूचर में, सब कुछ फ्यूचर में जो जो इवेंट्स होने वाले हैं आप उसी के लिए प्लान करेंगे, ना कि एट द टाइम अभी जो चल रहा है उसके लिए। तो प्लान आप कर चुके हो ना, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। ये सिर्फ फ्यूचर के लिए हम जो करते हैं उसी का प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही करते हैं, कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। हम प्रेजेंट में ये डिसाइड कर लेते हैं कि कल हमें ये करना है। अगर मान लो आपको कहीं घूमने जाना है तो आप डिसाइड करोगे ना कि अभी मैं घर पर हूँ तो मुझे कल यहाँ जाना है, ये भी आपके प्लान का पार्ट होगा। देन किसके साथ जाना है ये भी आपके प्लान का पार्ट होगा, है ना। तो ये सिर्फ सब कुछ हम फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स के लिए ही प्लान करते हैं। सो इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक एक्टिविटी है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग के नाम से ही दिमाग में क्या आता है कि ये तो माइंड से करने वाला काम है, ठीक है। प्लानिंग कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है ना कि आप हाथ से प्लानिंग को बना रहे हो। नहीं, ये थिंकिंग वाली एक्टिविटी है। प्लानिंग का मतलब ही होता है कि आप कितना थिंक कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव्स। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कि जैसे कि आपको कल घूमने जाना है, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, देन आप उन सारी जगहों में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हो, है ना। यू ऑलवेज चूज़ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। अपने सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स में से आप हमेशा बेस्ट अल्टरनेटिव ही चूज़ करते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे आप लोग, और मतलब कि इंजॉय भी कर सके ज़्यादा, है ना।
So there will be no need for planning if there is only one course of action. आप प्लानिंग, अब देखो, अब आपको घूमने जाना है कल. अब पूरी दुनिया में एक ही घूमने की जगह है, मान लो कि हाँ बस एक ही जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, ठीक है. तो फिर तो आप प्लान ही नहीं करोगे ना. प्लान तो तब करते हैं ना जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, देन उनमें से मुझे ये वाला चॉइस करना है, नहीं, ये वाला चॉइस करना है. आप डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड से, तो वही है ना प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है. प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. आप बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट वन चूज करके डिसाइड करते हो कि हाँ हमें यहाँ जाना है. देन आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, देन आप उन सारे फ्रेंड्स में से अपने बेस्ट फ्रेंड को चूज करते हो कि हाँ मुझे इसके साथ जाना है, ठीक है. तो फिर जैसे कि आपको, फिर आपके पास बहुत सारे अपेरल्स होते हैं, ठीक है. आप उनमें से प्लान करते हो कि हाँ मुझे ये पहन कर जाना है. तो प्लानिंग क्या होता है, चॉइस मेकिंग एक्टिविटी होती है कि आप अपने बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेट को चूज कर सकें, ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक प्रोसेस होता है प्लानिंग, एज इट इज अ डायनेमिक फंक्शन इन द सेंस दैट चेंजेस आर कंटिन्यूसली डन इन द प्लान कोर्स ऑफ एक्शन ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट. देखो क्या है कि प्लानिंग डायनेमिक फंक्शन भी है. प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन होने के साथ साथ डायनेमिक फंक्शन भी है. डायनेमिक फंक्शन किस सेंस में कह सकते हैं हम, कभी भी आपने देखा होगा हर बिजनेस एंटरप्राइज में बिजनेस एनवायरमेंट होता है, ठीक है. बिजनेस एनवायरमेंट आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा अपने सिलेबस का, तो उस चैप्टर से आपको पता चला होगा कि एक बिजनेस में कितने सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, है ना. तो हर फैक्टर के अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंजेस जो होते हैं वो होते रहते हैं कंटिन्यूसली. तो प्लानिंग से हमें क्या पता चलता है कि हम अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं. इसी को कहते हैं डायनेमिक फंक्शन, कि ऐसा नहीं है कि हमने अपने प्लान को एक बार डिसाइड कर लिया तो अब तो हम कर ही नहीं सकते हैं, चूज ही नहीं कर सकते हैं कुछ, है ना. तो देन प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑल्सो, एज कंटिन्यूस चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन एग्जिस्टिंग प्लान्स. देखो हर बिजनेस एंटरप्राइज में चेंजेस आते ही रहते हैं ट्रेंड को लेकर. तो प्लानिंग हमें प्रोवाइड करता है कि हाँ आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, अगर ये चेंजेस आ गया तो ये डिसीजन लेने चाहिए, ठीक है. तो ये सारे मैंने आपको फीचर्स बता दिए हैं प्लानिंग के, ये आपने फीचर्स पढ़े हैं, सारे बताए मैंने. गोल ओरिएंटेड अप्रोच होता है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, ठीक है. चॉइस मेकिंग एक्टिविटी होती है. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑल्सो एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है. देन परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन का मतलब मैंने बताया था एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है. नॉट द लास्ट वन इज प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस. ओके, थैंक यू.